नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिवलिंग कैसे बने, जाने शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में ही क्यों की जाती है, कैसे बना शिवलिंग, किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और इन्हीं शिवलिंग से जुड़े रहस्यों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग बात की गई है। अज्ञानी और मूर्ख लोगों ने हमारे धर्म का मजाक बनाने के लिए शिवलिंग को के विषय में तरह तरह की बातें की। ऐसे लोग हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताते, जबकि वो 33 प्रकार के हैं। शिवलिंग का अर्थ, शिवलिंग का अर्थ है कल्याण करने वाले और लिंग का अर्थ है बनाने वाले। अतः शिवलिंग पूजा में हम हमारे संपूर्ण जगत के नियंता सर्वशक्तिमान भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप की महिमा को बताता है। शिव ही आदि अनादि है और अंत भी। संपूर्ण जगत का आधार शिव ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड लिंग रूप में है और जलाधारी पृथ्वी है। शब्दों के कई अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार भी तो करोड़ भी। इसी तरह लिंग का अर्थ भी बहुत सारा। इसे आप अन्यथा अन्य अर्थ में ना लें। लिंग का अर्थ प्रतीक चिन्ह निशानी गुण सूक्ष्म आदि से है। शिवलिंग समस्त ऊर्जा का परिचायक है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति शिवलिंग के समान है। समस्त संसार की ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिवलिंग की महिमा, शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में सदियों से चली आ रही है। रामायण और महाभारत काल में भी शिव पूजा के विषय में बताया गया है। शिवलिंग में त्रिदेवों की शक्ति निहित है। मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु, ऊपर भगवान शंकर, जलाधारी रूप में शक्ति। अतः शिवलिंग की पूजा से हम सभी देवी देवताओं की कृपा के पात्र बनते हैं। समस्त देवी देवताओं की पूजा के समान है शिव के निराकार शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण जगत नष्ट होगा तो यह शिवलिंग में समा जाएगा, फिर इसी शिवलिंग से नए संसार का जन्म होगा। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए जाने शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव भोले देवता हैं, पर फिर भी उनकी पूजा में कुछ चीजें निषेध हैं। उनकी इन चीजों को कभी भी शिवलिंग पर पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना चाहिए। यह चीजें भगवान शिव को रुष्ट करती हैं और हमें शिव दोष लगता है। कुछ चीजें शिव जी को बहुत प्रसन्न करती हैं। आपको शिव जी पूजा में इन उपयोग का जरूर चीजों का उपयोग करना चाहिए। क्या क्या शिवलिंग पर न चढ़ाएं, भगवान शिव की पूजा में कुछ चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे केतकी के फूल, कभी भी भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। यह फल देने की जगह दोष देता है। भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया है कि कोई भी भक्त उन्हें यह अर्पित न करे। शंख से पूजा, भगवान शिव की पूजा में कभी शंख काम में नहीं लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शंख से पूजा करना शुभ होता है, पर शिव पूजा में कभी शंख नहीं बजाई जाती। तुलसी की पत्ती, तुलसी को लक्ष्मी तुल्य माना गया है। कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा में इसे जरूर काम में लेना चाहिए, पर ध्यान रखें तुलसी की पत्ती को शिवलिंग और गणेश की पूजा में कभी नहीं लाना चाहिए। शिव ने तुलसी के दानवपति शंखचूड़ की हत्या की थी, इसी कारण तुलसी जी शिव से नाराज हो गई थी। हल्दी, भगवान शिव की पूजा में कभी हल्दी काम में नहीं लानी चाहिए। हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है और हमारे शिव तो भस्म रमाने वाले महादेव हैं। सिंदूर, सिंदूर पत्नियां अपनी लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में लगाती हैं। स्त्रियों के श्रृंगार में शामिल है, तो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, माँ पार्वती को इसे जरूर अर्पित करना चाहिए। घर में रखे शिवलिंग से जुड़ी जरूरी बातें। शिवलिंग का आकार, घर में जो शिवलिंग हो उसका आकार अंगूठे से बड़ा ना हो।
यदि आप पारस शिवलिंग रखते हैं तो यह सबसे अच्छा है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में फलदायी है। एक ही शिवलिंग, घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखें। शिव जी को अपनी चीज़ें ना चढ़ाएं। भगवान शिव को कभी केतकी के पुष्प, तुलसी, सिंदूर, हल्दी ना चढ़ाएं। शिवलिंग को रखें शुद्ध जल में। एक पात्र में शुद्ध जल भरें, फिर शिवलिंग को उसमें रखें। पात्र का जल कभी सूखने ना दें। अभिषेक, हर दिन सुबह नहाकर शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें और शिव जी की आरती गाएं। शिव मंत्रों से भोलेनाथ को रिझाएं। जिस पात्र में शिवलिंग को आपने रखा है उसे रोज मिट्टी से मांजें और फिर शुद्ध जल से धोएं। पात्र का जल आप अशोक के पेड़ की जड़ में डाल दें। शिवलिंग की जलधारी दिशा, यह विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की जलधारी दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। धातु का शिवलिंग, यदि शिवलिंग धातु का है तो ध्यान रखें उसी धातु का नाग भी शिवलिंग पर लिपटा होना चाहिए। शिवलिंग के पास मूर्ति या फोटो, घर के मंदिर में शिवलिंग को खुले न रखें, उसके पास पार्वती की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। श्री गणेश भी करीब रहें तो शुभ फलदायी। सोमवार की विशेष पूजा, इस शिवलिंग के द्वारा सोमवार को विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।